सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो तुम? बढ़िया होगे? मैं भी एकदम बढ़िया। तो आप सब लोगों के प्यार की वजह से मेरी ये वाली वीडियो इतने व्यूज क्रॉस कर चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक सेकंड पार्ट बनाया जाए। और सेकंड पार्ट हम बनाने निकल गए हैं, विच इज बेस्ट फूड कॉर्नर इन मालवीय नगर पार्ट 2। आपके लिए नई नई जगह, नई नई चीजें लेके आते हैं, तो चलते हैं। और जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो देखी थी, वो ये वाली वीडियो देखना और कंपेयर करना कि कुछ हमारा एडवांसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम कैमरा एंड वीडियो क्वालिटी हमारे अंदर। फिलहाल निकलते हैं, चलते हैं, करते हैं जगह और चीजें कवर, और आपको भी दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें घूमने फिरने खाने पीने की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में, इस वीडियो में एंड तक, और एंड तक देख लेना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपसे मिलते हैं डेस्टिनेशन में पहुंच के। तो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट लोकेशन। मैं आपको लैंडमार्क दिखा देता हूँ। ये देखो सामने यार नजीर बरवरा, 0 डिग्री, आप 0 डिग्री भी जा सकते हो। KFC के जस्ट सामने है हमारा गोलगप्पे वाला। तो बेसिकली अगर आपको आलू टिक्की, भल्ले पापड़ी, चाट और गोलगप्पे ऐसे आइटम्स खानी है, सबसे पहले आप यहाँ आओ मालवीय नगर मार्केट में। यू गाइस विल लव इट, ट्रस्ट मी, टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और है श्रीराम करके नाम है शायद गोलगप्पे वाला, मैंने उसके बहुत सुना है कि बहुत बढ़िया होता है, बट पहले मैं ये ट्राई करूँगा। ये तो मैं खा ही चुका हूँ, मेरे को पता है इसके बढ़िया है, और इसके बाद जाके श्रीराम का भी ट्राई करेंगे। अब देखते हैं कंपेरिजन की किसका ज़्यादा बढ़िया है। अंकल भी करेक्टर में आ गए, धीरे से गोलगप्पे रखा है। कहा खा, क्या बात क्या बात, क्या गोलगप्पा खाता है। गाइस आफ्टर गोलगप्पे पापड़ी इज मस्ट। जरा हमारा सेकंड लोकेशन है, हम जा रहे हैं उसकी तरफ। श्री राम है कि क्या है वो देख लेंगे, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। मैं आपको एग्जैक्ट लैंडमार्क लोकेशन सब दिखा दूंगा। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी। आप आओ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, बढ़िया अपना घूमो फिरो और खाओ। तो गाइस जो मैं आपको नाम बता रहा था अगला, वो देखो एयरटेल का शोरूम है, उसके जस्ट बगल में श्री राम चाट है। मेरे को किसी ने बोला था कि पहले बहुत अच्छे मिलते थे, काफी फेमस है, अब उतने खास नहीं मिलते। तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगा कैसा है या कैसा नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जस्ट सामने, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो एयरटेल का एक ही बहुत बड़ा शोरूम है पूरे मालवीय नगर मार्केट में, वहाँ जाना। मुझे ना 10 by 10 देना, एक बार सूजी और एक बार आटा, ठीक है? मीठे देना बट सारे। अलग ही फैंटेसी है, यही बताएगी वाला बेटर था, ये वाला बेटर है। नाक से निकलेगा शर्त लगा ले। दिस इज सो स्ट्रांग। क्या भाई, क्या मतलब ज्यादा तीखा है? तो फ्लेवरफुल है, सॉन्ट अच्छी है इसकी, प्राइस गुड, मतलब दोनों ही सही है, अच्छे हैं, बट अब दोनों ट्राई कर सकते हो, देख लेना। सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, आलू टिक्की, चाट, भल्ले पापड़ी, सब कुछ। तो गाइज जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो है कमल मोमोज। अगर आपको स्टीम मोमोज खाने हैं प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल टाइप में, तो दिस इज़ द कॉर्नर फॉर यू। यहाँ पे कोई लैंडमार्क अगर मैं देना चाहूँ, तब पीछे मार्केट देख लो कि काना गारमेंट, वैलेंटिनो ऐसे करके बोर्ड लगे होंगे। इसके जस्ट सामने अंकल की शॉप मिल जाएगी, आप यहाँ आ सकते हो। चिकन स्टीम मोमो और पनीर स्टीम मोमो वेज, ये तीन टाइप के आपको स्टीम मोमोज बेसिकली मिलेंगे, स्टीम ही मिलेंगे। बट पर्सनली मैं बताऊँगा, मैं उनके चिकन मोमोज बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मेरे को। ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल में अगर कुछ खाना होता ना मोमोज, अगर कभी ऐसे क्रेविंग हो, दिस इज़ इट। और मोमोज आप देख ही लो, साइज़ भी आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है, स्टफिंग भी अच्छी होती है फुल। और ऐसे ना किसी किसी का आपने देखा होगा कि आउटर लेयर जो होती है वो मैदा बहुत थिक होता है, इनका थिक भी नहीं होता, सही होता है। ये पनीर वाला है, ये देखो या इसमें आपको पनीर की स्टफिंग मिल जाएगी प्रॉपर पूरी, और साथ में आपको मिलेगा मेयोनीज और चटनी। करते हैं टेस्ट, लेट्स स्टार्ट। इनका बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगता है कि आप और मोमोज खाओगे ना, इनका चिकन थोड़ा हार्ड हार्ड होता है, इनका बहुत जूसी होता है और सॉफ्ट होता है, बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल भी होता है। आपको ऐसे बोर्ड भी मिल जाएगा, तो मैं ऊपर देख लो। पनीर करवाते हैं राधा से। राधा पनीर वाला ट्राई करियो। जल्दी बोल, सुबह पनीर निकलना है। बहुत टेस्टी है सीरियसली। हाँ, इसका मटेरियल जो फिलिंग है ना इसके अंदर की, और इसकी चटनी तो बहुत बेस्ट है, बहुत दिन बाद खाई है ऐसी चटनी, मतलब ऐसा प्राइम वाला। मैं तू खा लेते, तूने बहुत दिनों बाद खाई, तू ही खा ले। मैं पनीर ट्राई करने वाला था, बट तू ही खा ले, कोई बात नहीं, मैं चिकन से काम चला लूँ। टेस्ट कर, तू टेस्ट करके बता। मैं तो सबका ओपिनियन लेना चाहिए ना गाइस, क्या पता किसको अच्छी लगे किसी को ना लगे, इसीलिए शाम 5 से लेकर रात को 10:30। तो टाइमिंग आपने पूछ, आपको पता चली गया कि शाम के 5 से रात के 10:30 बजे तक अंकल यहीं पे मिलेंगे आपको मार्केट में। आओ मोमोज खाओ, ट्राई करो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना अगर मेरे रिव्यू से आ रहे हो तो कैसा लगा बता दे भाई, पूरी प्लेट निपटा के मानेगा। बचपन में जैसे नहीं, पहले जब मोमोज बनते थे है ना, हाँ, वो फीलिंग है ना, है गाइस, इसका टेस्ट कुछ अलग है, ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। मजाक से हट के पर्सनली
आप कितना भी फैंसी रेस्टोरेंट या कहीं खा लो किचन विचन में, ठीक है, एक होता है ऑथेंटिक टेस्ट, बट हाँ उसको प्रॉपर स्टेज नहीं मिल रहा पहली बार जो ये वाले वो ऐसा वाला फ्लेवर है। और मुझे तो इतना अच्छा लगा मैं पैक करवाने वाली हूँ। नहीं करवाएगी ना, कमेंट कर देना इसके नीचे। करवा रही है, करवा रही है। 22 साल हो गया, बहुत दूर दूर से आते हैं। 22 साल हो गया आपको? और क्या, कमल मोहन का यूट्यूब 20, 21, 22 2002 से मैं सब फेल हो गए हैं। अंकल ने डोल मांटी फेल कर दी। चिकन बोनलेस में भी आपका थाई और चेंज का मिला के 350 रुपये किलो लेता हूँ, इसीलिए आपका चिकन का ना थोड़ा क्वालिटी अलग है, डिफरेंट है, जूसी है। तो गाइस यहाँ से मोमोज खा के डन निकलना अपने लोकेशन पे। अंकल को बाय बाय और थैंक यू बोल। बाय अंकल, थैंक यू, वेलकम। गाइस राधा ने ना मोमोज पैक करवाए पनीर वाले, ठीक है, ये देखो घर के लिए। तो ये पूरे पैसे पे कर रही थी, अंकल बोले नहीं नहीं आप इतना ही दो, 150 समथिंग अराउंड हो रहा था। अंकल ने 50 रुपीज का डिस्काउंट देकर, आप तो मेरा प्रमोशन कर रहे हो, आप 50 रुपये कम दो कोई बात, फ्री डिस्काउंट दे दिया अंकल ने। उन्होंने बोला, मैंने फटाफट 100 रुपये पे कर दिया, क्या पता बोले अच्छा चलो दे दो 150। चंट 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 बुद्धि। गाइज फूड व्लॉगिंग करते करते बीच में राधा की ऑफिस का लीग स्वाति दीदी उनके घर आए थे। आपको एक बढ़िया चीज से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, 1 2 3 चावी माय बेबी, हेलो 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 कर दो हेलो। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसे सिर्फ हम मिल सकते हैं, तो आपसे वीडियो आप सिर्फ वीडियो में देखो। हेलो हेलो बेबी, लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह हेलो कर दो उसे दूसरे थंबनेल थम्स अप लाइक कर देना। ऑल गुड गाइस लाइक चार भी कह रहे हैं वीडियो लाइक कर देना। ओह बस बहुत ही बोलो मेरे नाम पे ज्यादा फुटेज मत लो भैया। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अली तंदूरी किचन, आपको चिली पेपर के बगल में मिल जाएगा। सामने मार्केट है, मोती के सामने, मोती की ये देखो सामने गीतांजलि स्टूडियो सलून जो कह लो वो है, गेटोरेट का ये तबड़ा बोर्ड दिख जाएगा, रेमंड का शोरूम है उसके जस्ट सामने वाले मार्केट में है। इसका शो आपको क्या कहते हैं शोरमा और वो ट्राई करना पनीर तंदूरी मोमोज वगैरह जो बेसिकली इनका होता है। देखो थ्रू आउट पूरा इनका लिस्ट है, पूरा मेन्यू है, मेरे को शोरमा बहुत अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम अलवेक, आपको कभी और किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगा, शोरमा जरूर ट्राई करना। और दूसरा तंदूरी आइटम जो होता है ना मोमोज का वो बहुत बढ़िया होता है, हमने पनीर तंदूरी ऑर्डर करा है। यहाँ का मैं आपको बता दूँ शोरमा देख लो आप, हाफ है ठीक है, फुल लेना अगर आपको खाना तो फुल में सही रहता है, प्राइसिंग और क्वान्टिटी भी। ये हमारा वेज वेज तंदूरी मोमो शोरमा, आप फीलिंग देख लो बढ़िया एकदम भर के पूरा प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, टेस्ट वाइज भी बहुत टॉप नॉच होता है, मस्ट ट्राई। जो कौन देख लो भाई फुल भरा हुआ मिलेगा ऊपर, तो पूरा ऊपर से नीचे लास्ट तक होगा, ये वेज है वेज, यही ट्राई करके बताएगी जल्दी जल्दी बोल जब्बा। अच्छा है, मेरी बात मानो, अच्छा है। गाइज वैसे तो मैं आपको मीठा जो है लास्ट में दिखाता, बट अभी मैं यहाँ से इस एरिया से निकल रहा हूँ तो अब वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं सोच रहा हूँ कि आपको रिकॉर्ड करके मतलब वो दिखाई देता हूँ फिर यहाँ से निकलूंगा। ये देखो बोर्ड देख लो मॉन्चिनीस में, और यहाँ पर आपको आगे वो देखो ज्ञानीस भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ मीठा खाना है आई रिकमेंड यू कि आप ये ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है, बहुत मस्त होता है। गाइस हमने ऑर्डर करी दो पेस्ट्री, एक ट्रफल चॉकलेट ट्रफल और एक फ्रेश फ्रूट ट्री, तो वो तो गर्म करने के लिए हमने डलवा दी। अगर तो मी वाला टेस्ट थोड़ा टैंगी सा टेस्ट है इसका, अच्छा है। तो गाइस फ्रेश फ्रूट था हमने देख लिया, ये देखो लेयर्स देखो इसमें, और अब करते हैं इसको टेस्ट, माउथ गैजम हो जाएगा इसका। आपको चॉकलेट लवर हो ना जरूर ट्राई करना, मस्त है मस्त, चॉकलेट वाले आइटम ज़्यादा टेस्ट होते हैं हमेशा। गाइस अपार्ट फ्रॉम पेस्ट्रीज एंड केक, इफ यू वांट टू ट्राई पैन पफ आलू पैटीज और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्गर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपन बेक पिज्ज़ा जो होते हैं वो सब, और उसके अलावा बर्थडे चीज़ बर्थडे के लिए चीज़ें बलून्स वलून्स आपको सब कुछ यहाँ मिल सकती है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ भी आ सकते हो और ऐसे गिफ्ट रैप भी मिल सकते हैं आपको, तो आप आओ, और मीठा कुछ खाने का मन है तो मस्ट ट्राई। वैसे आप देख सकते हैं तो प्रॉपर अमूल का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई लोकल वोकल नहीं, तो अभी बाकी टेस्ट पीछे कैसा रहता है। तो एक हमने ऑर्डर करा है पेपी पनीर, और दूसरा ऑर्डर करा है हमने क्या फार्म हाउस, स्मॉल स्मॉल दोनों, ठीक है, ट्राई करते हैं कैसा है और ओवरऑल टेस्ट आपका भी वो करते हैं रिव्यू शेयर करेंगे। तो ये हमारा लग रहा है एक फार्म हाउस और एक पेपी पनीर, और मैं बहुत टाइम से भाई का ये कार्ट देख रहा था, तो मेरे को कभी ट्राई करना था, तो मैंने आज के लिए इस चीज़ को फिक्स रखा था, इस वाले ब्लॉग में ये कार्ट कवर करने वाला हूँ। तो कार्ट का नाम आप देख लो नेपल्स पिज्ज़ा, ये वीरजी मलाई चाप आपको तो पता ही होगा मालूम नगर में, नहीं पता हो तो गूगल कर लेना, लैंडमार्क समझ लो, वीरजी मलाई चाप उधर है और जस्ट वहीं पे आपको ये साइड में दिख जाएगा पिज्ज़ा कार्ट है, बेसिकली एक प्रॉपर कोई शॉप नहीं है, कार्ट चलता फिरता कार्ट होता है ना वो। तो गाइज ये है हमारा फार्म हाउस पिज्ज़ा स्मॉल, और ये है पेपी पनीर,
आप देख सकते हैं दोनों हमारा बन के रेडी हो गया है। ये चीज़ वीज तो भर के डाला भाई ने। अब फिलहाल टेस्ट की बात, बेस बहुत क्रिस्पी है, चीज़ फुल बढ़िया आ रहा है। ये अमूल मोज़रेला का कमाल है, सारा गर्म है मेरी तरह। हाथ भाई प्राइस के अकॉर्डिंग टेस्ट बहुत गुड है सच्ची भाई, बढ़िया टेस्ट है। पामा सच्ची में वो बहुत टेस्टी लगा। अब तभी पनीर की बारी, सच्ची चीज़ पुल और पिज़्ज़ा सॉस का जो फ्लेवर है ना बहुत सही आ रहा है। अब ये है पेपी पनीर, ट्राई करते हैं, लेट्स गो। दोनों बहुत बढ़िया है, ठीक है। बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ इस पिज़्ज़ा की ना, इसका बेस जो है इसका बेस क्रिस्पी है, बीच में आपको सॉफ्ट सॉसेस मिलेंगे, ऊपर टॉपिंग्स और फ्लेवर। ये जो पूरा कॉम्बो बन रहा है ना इसमें, एक बाइट में आपको क्रिस्पी, सॉफ्ट और पूरा फ्लेवर सब कुछ फील होने वाला है। मस्त रहा भाई, बहुत बढ़िया था भाई की तरफ दिखा देगा। और टेस्ट के साथ भाई क्या हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन है, ग्लव्स व्लव्स लगा के सब अपना बना रहे हैं। एक बार ट्राई जरूर करना, मज़ा आ जाएगा सच्ची। अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत वर्थ इट लगेगा आपको भाई। टाइमिंग क्या रहती है आपके यहाँ पे? साढ़े पाँच से ग्यारह बजे तक। तो भाई आपको यहाँ पे 5:30 बजे से रात के 11 बजे तक मिल जाएंगे। आओ पिज़्ज़ा खाओ, ट्राई करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कि कैसा लगा। तो गाइस अगर आपको चाइनीज़ खाना है, बेसिकली मैं यहाँ का आपको सूप बहुत हार्डली रिकमेंड करूँगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। निकाशी ऊपर आप बोर्ड देख लो, आपको भी ट्राई करना है तो ज़रूर आना। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर करा एक मनचाओ, चिकन मनचाओ सूप। और अगर आपको फाइन डाइनिंग करना है, चाइनीज़ प्रॉपर चाइनीज़ और फाइन डाइनिंग, तो आप यहाँ आ सकते हो। ये देखो आपको ऐसी प्रॉपर सेटिंग मिल जाएगी विद ऑल दिस डेकोरेशन। और यहाँ का सूप ना मतलब मेरा फेवरेट है, बहुत जेन्युइन सूप है, बहुत जेन्युइन। ये रही हमारी क्वांटिटी मनचाओ सूप की, इधर दिखाइए प्लीज़। 1:2 करवा दिया था हमने। टेस्ट और बेस्ट, निकाशी इज़ द बेस्ट फॉर द सूप, मेरे कहने पे आना एक बारी। तो फिलहाल मैंने क्वांटिटी मेरे को बतानी थी, क्योंकि टेस्ट तो मुझे पता है, टेस्ट बहुत टॉप में होता है। क्वांटिटी आप देख लो, और टेस्ट में बहुत ऐसा था ना कि कोई की एग वाइट ज़्यादा डाल दिया, चिकन कम है, आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगा साथ में। ये मैं करता हूँ सूप एंजॉय, यू वॉच मी। तो गाइस आज का कंटेंट हमने कर दिया पूरा कवर, एक एक चीज़ें आपको दिखा दी मैंने, सब कुछ बता दिया। गोलगप्पे आप देख लेना, जो श्री राम चाट था उसका थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरफुल लगा मेरे को एज़ कम्पेरेटिवली। मोती वाला भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, अच्छा है, बट वो मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा। उसका सॉन्ट जो था वो बहुत अच्छा था। तो आज लेके जा रहा हूँ वही वाला, मम्मी को खिलाएंगे, मम्मी से भी टेस्ट करवाएंगे, मम्मी को हम बताएंगे। हाँ। तो ओवरऑल बढ़िया था, आज आपने देख ही लिया। और पहली वाली वीडियो को जितना प्यार दिया, इसमें भी इसको उससे ज़्यादा डबल प्यार देना, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसके साथ आप जाना चाहते हो, इनमें से कोई जगह कवर करना चाहते हो, खाना चाहते हो, और आप जाओ मेरा ब्लॉग देखने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि हाँ आपको ब्लॉग देख के कहते हैं और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। फिलहाल करते हैं यहीं पे साइन ऑफ, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट राहुल यादव, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, हर हर महादेव, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट, खत्म।